चलती लोकल ट्रेन में युवती के साथ यौन शोषण किया गया है। इस घटना से दहल उठी है मुंबई। मुंबई की चलती लोकल ट्रेन में महिला डिब्बे में 40 वर्षीय एक बिहार के व्यक्ति ने 20 वर्षीय महिला का उस वक्त कथित तौर पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया जब वो डिब्बे में अकेली यात्रा कर रही थी। जीआरपी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई की एक लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में 20 वर्षीय एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में सरकारी रेलवे पुलिस ने नवाजु करीम नाम के 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीड़िता छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पनवेल लोकल से दूसरे सेकेंड क्लास के डिब्बे में बैठी थी। आगे उन्होंने बताया कि आरोपी को आज कोर्ट में भी पेश किया गया। 8 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि सीएसएमटी और मस्जिद स्टेशन के बीच की ये वारदात है और जिस वारदात से पूरी मुंबई दहल उठी है, पूरे मुंबई करों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है उस आरोपी के प्रति। महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना बेहद निंदनीय है। घटना के बाद महिला ने जीआरपी से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया।